मेरा नाम मोहम्मद इकबाल भट्ट है। मैं तहसील पटन और गांव बुरन से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट तो नहीं कह सकता, मैं एक आर्ट लवर हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट होना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो मैं एक आर्ट लवर हूँ और काफ़ी सालों से पेंटिंग्स बना रहा हूँ। तो आज तक मैं बहुत सारी पेंटिंग्स बना चुका हूँ और अभी भी बना रहा हूँ। तो मैं एक्रिलिक पेंटिंग करता हूँ, ऑयल पेंटिंग करता हूँ, जो कि कैनवस पे बनती है, शीट्स पे भी बनती है। इसके अलावा मैं कैलीग्राफी में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कैलीग्राफी भी करता हूँ मैं। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी लोग भी मेरी वजह से इंस्पायर हो और सीखें। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब मैं चंडीगढ़ गया था एक आर्टिस्ट के घर, जिनकी वजह से मुझे इंस्पायरेशन मिली है। उनका नाम सनोत्रा सर है, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो उनकी वजह से मुझे इंस्पायरेशन मिली है, वहीं से मैंने अपने आर्ट में इंटरेस्ट रखा, वहाँ से मुझे एक इंस्पायरेशन मिली और मैं पेंटिंग्स की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। तब से अब तक मैं बस पेंटिंग्स बना रहा हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स को इम्प्रूव करते रहूँ। मेरे पास बहुत सारी पेंटिंग्स पड़ी है जो आप देख रहे हैं। जैसे ये एक एक्रिलिक पेंटिंग है जो पोर्ट्रेट है एक सिंगर की, ये भी एक एक्रिलिक पेंटिंग है। और जैसे आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड में एक काबा की पेंटिंग है, मक्का की, ये एक ऑयल पेंटिंग है और ये भी एक ऑयल पेंटिंग है। मेरी फैमिली में मुझे सब लोगों ने सपोर्ट किया है, मम्मा ने, पापा ने, भाइयों ने, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्योंकि जब भी मतलब मुझे मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैनवास है, कलर्स है या ब्रशेस वगैरह है, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है और वो मुझे इनक्रेज करती है कि आप पेंटिंग में और ज़्यादा इंटरेस्ट दो। एक्चुअली मैं बचपन से जब बाहर पढ़ रहा था, मैं जम्मू में 10th तक मैंने वहीं पढ़ा है, तो वहाँ बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैंने हिस्सा लिया है। वहाँ पर एक चीज़ है को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ है, वहाँ बच्चों को इसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। तो वहाँ मैंने पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा किया था पार्टिसिपेट, और यहाँ मैं डिग्री कॉलेज पटन की तरफ से भी एक गया था संभल कॉलेज में कॉम्पिटिशन में।
तो हाँ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ मैं। देखिए, एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ कश्मीर में कि यहाँ के जो बच्चे बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहे ये आर्ट की बात हो, राइटिंग की बात हो, सिंगिंग की बात हो, बहुत सारे बच्चे जो टैलेंट रखते हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, या जो भी टैलेंटेड बंदा हो, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर वैसा प्लेटफॉर्म मिले जो एक बंदे को ज़रूरत है, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जो होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है, मैं भी मतलब एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, मतलब सीखा नहीं है कहीं से भी, बहुत टाइम से मेरे बारे में भी नहीं जानते लोग, मतलब अभी कुछ ही टाइम हुआ है कि मतलब आप जैसे लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत मेरे बारे में बाकियों को पता चला है। तो मैं उन सब आर्टिस्ट से ये कहना चाहता हूँ कि आप डरे ना, अगर आप में टैलेंट है तो दिखाओ दुनिया को, ताकि पूरी दुनिया भी जान सके कि आप में कुछ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके टैलेंट की वजह से कुछ ऐसा मिले जिसकी एक्सपेक्टेशन ही ना हो। मतलब लाइफ में बहुत कुछ ऐसा मिलता है अपने आर्ट की वजह से। अगर टैलेंट है तो दिखाओ, आप दुनिया को दिखा सकते हो, आपकी वजह से किसी और को भी इंस्पायरेशन मिल सकती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, शायद उनको कुछ अच्छा मिले इससे, जो इसका प्लेटफॉर्म है अगर वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब देखिए, मैं एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कमा रहा हूँ इससे, और कैसे कमा रहा हूँ मैं उनको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके पास अमेज़ॉन है जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, जहाँ से हम करते हैं, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, इसके अलावा आपके पास इट्सी है, जिससे आप अपनी पेंटिंग्स को अब्रॉड सेंड कर सकते हो। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप अपनी पेंटिंग्स को दिखा सकते हो, सेल कर सकते हो ऑनलाइन, तो आप कमा सकते हो। तो अगर आप में कोई टैलेंट है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन अवेलेबल जहाँ से आप अपना रोज़गार कमा सकते हो। बस बात यह है कि आपको अपना टैलेंट दिखाना है और ढूंढना है। मुझसे पेंटिंग खरीदने के लिए आप अमेज़ॉन से भी चेक कर सकते हो, इसके अलावा इट्सी है, itsy.com, वहाँ से भी आप पेंटिंग्स ले सकते हो। और अगर यहाँ आसपास कोई पेंटिंग लेना चाहे, तो वो मेरा FB पेज है, आर्ट गैलरी पेंटिंग्स के नाम से मेरा एक पेज चल रहा है FB पे, तो वहाँ से भी वो परचेज कर सकता है। हाँ, एक YouTube चैनल भी मैंने खोली है, एक्चुअली ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड नहीं किए, लेकिन वो रिसेंटली खोली है। तो आप अगर पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मतलब हर एक के घर में बच्चे होते हैं, वो पेंटिंग के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं मिलती, तो अगर वो बच्चे सीखना चाहे, तो वो मेरी YouTube चैनल से भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ पेंटिंग्स के रिलेटेड।